हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, आज 11/11 पोर्टल है और आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। तो आज मैं ये दो डेक सिर्फ यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि आज की जो ये एनर्जी है न्यू बिगिनिंग्स की, ट्रांसफॉर्मेशन की, न्यू अवेकनिंग्स की, ये एनर्जी हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आ रही है, यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं या हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या जानना है इस वक्त। सबसे पहला हमारे पास जो कार्ड आया है फ्रेंड्स, टू बी फेयर, जिंदगी जैसे बैलेंस में आ रही है। और आप नंबर देखिए, नंबर 38, अनदर 11, ठीक है। तो अभी तक आपकी लाइफ जो डिसबैलेंस थी या आपको ना कुछ कमी महसूस हो रही होगी, किसी एरिया ऑफ लाइफ में आप स्टक होंगे, तो उन सब से आप बाहर आ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी जो है बैलेंस में आ रही है। और यहाँ पर आप आउल देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आउल डिनोट करता है कि आप वाइज हो चुके हैं, आप पहले से बहुत विजडम को गेन कर चुके हैं। तो ये उन्हीं के लिए, उनकी ज़िंदगी कंप्लीट बैलेंस में अब आ रही है जो प्रॉपर विजडम को गेन कर चुके हैं, जो यू नो अपने ऊपर काम कर चुके हैं। और उन वाइज सोल्स के लिए, उन ओल्ड सोल्स के लिए, जैसे अब जिंदगी के हर पहलू को बैलेंस किया जाएगा। और देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो दो कार्ड्स निकाले हैं फ्रेंड्स, इसको मैं दो तरीके से इंटरप्रेट कर रही हूँ। यहाँ पर अगर आपकी ज़िंदगी कुछ यू नो पास्ट और फ्यूचर में भटक चुकी है, अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो पास्ट में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हैं, और या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग में लगे हुए हैं और चीज़ें बटोरने में लगे हुए हैं, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डर को फील कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रही हैं, तो जैसे डिवाइन आपका पूरा फोकस आपके प्रेजेंट पर लाने वाले हैं। तो एक तरह से वो अवेकनिंग आपकी आ रही है, वो चेंज आपके लिए आ रहा है, आपकी एक नई शुरुआत होगी जहाँ पे फोकस जो है आपके ऊपर आ जाएगा। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लिए जो है ये कन्फ्यूजन का टाइम, ये जो आपका मेहनत का टाइम, यू नो आपके जो कार्मिक लेसन्स का टाइम, वो कंप्लीट हो रहा है और बिल्कुल जैसे आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ नया यू नो अब कुछ ऐसा गेन्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू होंगी जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं। आप सडनली कोई जैकपॉट हिट कर सकते हैं फ्रेंड्स, सडनली कोई ऐसा ट्रेजर आप देख सकते हो, ट्रेजर आइलैंड, यू नो सडनली। या और ये सारा आपके पेशेंस का नतीजा है। आप देख सकते हो टर्टल के बैक पर है ये ट्रेजर। तो और ये ज़रा सा भी जो है टर्टल का बैलेंस बिगड़ा और ये ट्रेजर जो है वो पानी में चला जाएगा। तो ये जो वक्त है ना, ये कंप्लीट बैलेंस में रहने का है, और इसीलिए हमारे पास ये 38 नंबर का टू बी फेयर आया है, यानी नंबर 11 का। तो अगर अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत चाहते हैं, मैजिकल बिगिनिंग्स चाहते हैं, तो आपको पूरे बैलेंस में रहना है, संयम बना कर रखना है, यू नो काम माइंड से बहुत एक्टिव रहना है। यस, ये बिल्कुल ज़रूरी है, काम माइंड रखते हुए सारे काम करते रहिए, बहुत एक्टिव रहिए, क्योंकि अब आपका जो बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। आपने अपने ऊपर वर्क किया है और अचानक से अनएक्सपेक्टेड जो है बिग अचीवमेंट्स, कोई हिडन ट्रेजर्स, यू नो कहीं ना कहीं से अचानक जैसे आप एबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मैजिकल सा लगने वाला है फ्रेंड्स, ये जो टाइम है अब 11/11 के बाद, जैसे ये मैजिकल टाइम स्टार्ट होने वाला है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोई बहुत भाग दौड़ कर रहा है इस वक्त, यू नो अंधी दौड़ में लगा हुआ है, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो अब आपको जैसे यूनिवर्स एक इशारा कर रहे हैं, यू नो इंटरवीन कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको ये कह रहे हैं कि ठहर जाइए, थम जाइए। आप देख सकते हैं ये दोनों कार्ड साइड बाय साइड, टाइम फॉर अ नैप हियर एंड नाउ। तो आपका
फोकस जो है प्रेजेंट में लाया जा रहा है। आप शायद एक अंधी दौड़ में भाग रहे थे और कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे जिनके शायद कुछ आपकी प्रेजेंट लाइफ से कुछ मायने नहीं हैं, और आपको जैसे ठहरने के लिए बोला जा रहा है। यू नो, आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है अपनी लाइफ को आपने, ठीक है, बहुत सारे धागे इधर उधर बुन गए हैं, तो ये हायर एनर्जीज जो हैं, अब आपको, जब तक आप अपने आप को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को सुलझा नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये मैसेज इन अ बॉटल बता रहा है कि जिन लोगों ने you know, अपने आप को बैलेंस कर लिया है, तो आपके लिए वो गुड न्यूज़ आ रही है, वो टाइम आ चुका है। आप देख सकते हैं उस बॉटल के अंदर एक फ़ोन है, एक बहुत ही पुराना फ़ोन है, एंटीक फ़ोन। तो एक तरह से आपके लिए वो न्यूज़, वो इन्फॉर्मेशन, वो ऑफ़र, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको बहुत खुश करने वाली है इस वक्त। और ये बहुत लॉन्ग अवेटेड है, काफ़ी वक्त से आपने इंतज़ार किया है इस अपॉर्चुनिटी का, इस नई शुरुआत का, जो अब आपके सामने आएगी। एक और डेक से हम कार्ड्स निकालते हैं, थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जीज है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है मेजर आर्काना, फेटेड मीटिंग। तो अब एक नई शुरुआत पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में दिख रही है। बहुत सारे लोगों की लाइफ, जिनकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, तो ये रोमांस का एरिया, आपके रिलेशनशिप का एरिया जो है बैलेंस में आ रहा है। अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में वो पार्टनर नहीं आया था, तो अब आएगा और एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर बहुत लोगों के लिए जैसे एकदम न्यू पार्टनर नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसा पार्टनर दिख रहा है जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं, या फिर कुछ ना कुछ इश्यू हो गया था और अब जैसे दोबारा से आप मिलने वाले हैं। और बहुत ही ये जैसे टू बी फेयर के नीचे ये कार्ड आया, ये हमारा मेजर थीम है आज का फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोगों के रिश्तों में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोगों के लिए आप अपने कार्मिक लेसन्स को अब कंप्लीट करेंगे, आप अपने जैसे कर्मा पर, आप अपने कर्मा को एक्सेप्ट करके उसको क्लेंजिंग में अब आप हेल्प करेंगे, खुद की हेल्प करेंगे और अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करेंगे। तो ये आपको जैसे प्रेजेंट में लेकर आएगा फ्रेंड्स। जो मेहनत आप नहीं कर रहे थे अपने लिए, तो अब वो अपने आप के ऊपर अब ध्यान देने वाले हैं। और बहुत लोगों के लिए वो ऑफर आ रहा है, किंग ऑफ रोजेस, ये हमें ये बता रहा है फ्रेंड्स कि जिस ऑफर के लिए आपने इंतज़ार किया है, या इंतज़ार तो नहीं कहूँगी, जिसके लिए आपने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया, अपनी अपनी एनर्जीज को खुद के साथ अलाइन किया, अपने जो माइंड बॉडी सोल को अलाइन किया है आपने और अपने आप को बैलेंस किया है, तो आपके लिए वो ड्रीम ऑफर अब आ रहा है। ये एक रिलेशनशिप का ऑफर हो सकता है, ये कोई जॉब का हो सकता है, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ऑफर जो आपको बहुत खुश करने वाला है। और ये आपको एक सपोर्ट भी यहाँ पर आ रहा है इस ऑफर के साथ साथ। यहाँ पर काफी हद तक ये रोमांस लग रहा है फ्रेंड्स। हमारे सारे कार्ड्स यहाँ पर गिरे, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑफर जो है ना, ये आपके लिए बहुत कुछ बदल देगा आपकी जिंदगी में। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप के साथ आया है कार्ड द म्यूज, मेजर आर्काना कार्ड। फ्रेंड्स, खुद पर फोकस करना है, सेल्फ लव में आना है और अपने आप के साथ मस्त हो जाना है, अपना खुद के जैसे खुद के साथ एंजॉय करना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भाग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल जैसे शांत हो जाइए और खुद पर फोकस करिए, अपने काम से मतलब रखिए और बस अपने प्रेजेंट में अपने आप को एंजॉय करिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, जो आपके पास है उसी में खुश हो जाइए। और जिनके लिए एक न्यू ऑफर आ रहा है, तो वक्त हो चुका है
और द सैंड्स ऑफ टाइम, सिक्स ऑफ स्क्रोल्स हमें ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आप बिल्कुल तैयार हैं इस न्यू जर्नी के लिए, इस न्यू ऑफर के लिए, और इस ऑफर के लिए आपने बहुत विजडम गेन कर ली है. और अब जो ये ऑफर आ रहा है आपके पास, शायद पहले इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि आप तैयार नहीं थे. और इस 11-11 एनर्जी के साथ आप इस नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं. और यू नो, आपने इनफ विजडम हासिल कर लिया है, आपने अपने आप को पूरे बैलेंस में आप ले आए हैं, आपने हार्ड वर्क किया है इसके लिए. फ्रेंड्स, ये कुछ भी बस ऐसे ही बैठे हुए नहीं मिल जाता है, आपने सचमुच में काफ़ी मेहनत की है इसके लिए, अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए. और अब उसके रिवॉर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं. तो मैं एक जो है आउटकम का कार्ड निकालूंगी यहाँ पर. तो हमारे पास जो फाइनल आउटकम आया है फ्रेंड्स, जजमेंट. यू नो, जैसे एक बहुत बड़ा बदलाव जो आपका नज़रिया बदल देगा, आपकी बहुतों की ज़िंदगी ही बदल देगा, और आपका जो ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है या खुद को देखने का नज़रिया है वो बदल जाएगा. आपकी अवेकनिंग होगी, आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा अलाइन हो जाएंगे. तो ब्यूटीफुल एनर्जीज, एनर्जीज का फ़ायदा उठाइए फ्रेंड्स. मैंने 11-11 पोर्टल का जो स्पेशल मैसेज है वो मैंने पोस्ट कर दिया है अपने दूसरे चैनल पर भी, तो आप देख सकते हैं कि आज क्या करना है आपको और किस तरह से इन एनर्जीज को यूज़ करना है. मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको. सो थैंक यू फ्रेंड्स, मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया.